देश किसे बनाना चाहता है पीएम मोदी का उत्तराधिकारी? देशव्यापी सर्वे में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। अमित शाह और योगी के बीच जनता ने किसे चुना? सी वोटर सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। एक न एक दिन तो आएगा ही जब देश को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी चुनना ही होगा। ऐसे में कौन है वो नेता जिसे देश पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनते देखना चाहता है? इसको लेकर सी वोटर ने एक देशव्यापी सर्वे किया है जिसमें बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री साथ ही भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो एक एक करके आज हम आपको बताते हैं कि सी वोटर सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आया जिसे देश के हर नागरिक को जरूर जानना चाहिए। सर्वे फरवरी 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक के बीच किया गया जिसमें 1,22,016 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में एक सवाल था, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, जिसमें लगभग 40% लोगों का जवाब आया कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतरीन सीएम है। वही अरविंद केजरीवाल को दूसरे पायदान पर रखा गया, केजरीवाल को सिर्फ 22% लोगों ने पसंद किया। वही ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर रही, उन्हें सिर्फ 9% लोगों का वोट मिला। इस सर्वे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल था, मोदी सरकार का सबसे बेहतर मंत्री कौन है। इसका जवाब देते हुए सबसे ज्यादा यानी कि 22.5% लोगों ने नितिन गडकरी को वोट किया। राजनाथ सिंह इस मामले में दूसरे पायदान पर रहे जिन्हें 20.4% लोगों ने वोट किया। इस लिस्ट पर तीसरे नंबर पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें 17.2% लोगों ने वोट किया। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये पूछा गया कि सबसे अच्छा पीएम कौन है। अब जाहिर सी बात है इसका जवाब एक ही आया होगा, लेकिन कितने लोगों ने इसका जवाब दिया है वो आपको बता देते हैं। 44% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अब तक के देश के सबसे बेहतरीन पीएम है। वहीं 17% लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बेस्ट पीएम माना। इसके बाद 13% लोगों ने इंदिरा गांधी को सबसे अच्छा पीएम माना। यानी देश की लगभग आधी आबादी यानी 60 से 70 करोड़ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही आज तक के इतिहास में भारत के सबसे अच्छे पीएम है। तो ये तीन सवाल देश की जनता का मूड बताने के लिए काफी है। इसमें जहां बेस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया, वहीं मंत्रियों में सबसे बेस्ट नितिन गडकरी रहे। बेस्ट पीएम के सवाल ने तो मोदी समर्थकों का दिल ही जीत लिया, क्योंकि 44% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। लेकिन इस सर्वे ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि जब भी मोदी रिटायर होंगे तो योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर यही सवाल हम आपसे पूछें कि आप किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनते देखना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करके अपना जवाब जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।